नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोग कुवैत में जाके नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ पर नौकरी कैसे मिलती है और वहाँ पर कितनी तनख्वाह मिलती है। ऐसे में आज हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ दिनार करेंसी चलती है, और अगर आप दिनार को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं तो यह करीबन एक दिनार के मुकाबले 250 रुपये तक होती है। तो इस हिसाब से अगर आप 2,000 दिनार की सैलरी प्रति माह अर्जित करते हैं तो आपको 4.5 से 5 लाख रुपए भारतीय करेंसी के रूप में मिल सकते हैं। इतनी सैलरी भारत में छोटे मोटे कामों के लिए नहीं मिलती, लेकिन कुवैत में आप आसानी से इस सैलरी को अर्न कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुवैत में छोटे काम जैसे कि फूड पैकिंग, लॉरी चलाना, होटल में जॉब, अकाउंटेंट की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, और इसके लिए लोग काफ़ी अप्लाई भी करते हैं। आपको बता दें कि कुवैत जाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको वहाँ की भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अरब भाषा बोली जाती है, और अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अरबी भाषा सीखनी होगी। इस भाषा को सीखने के बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है तो आप फिर किसी भी कंसल्टेंसी को अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। कंसल्टेंसी जॉब दिलवाने से पहले आपसे कुछ फॉर्म्स भरवाएंगी और आपसे कुछ फीस भी लेंगी। आपको बता दें कि पासपोर्ट और वीज़ा का काम पूरा होने के बाद आप जॉब अप्लाई करिए, और अगर आपको जॉब मिलती है तो आप वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हैं। आपको बता दें कि कुवैत में जॉब करने पर आपको एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। वहाँ पर कम से कम सैलरी 320 दिनार और ज़्यादा से ज़्यादा करीबन 5,640 दिनार है। अगर आप एवरेज सैलरी माने तो 1,260 दिनार एवरेज सैलरी होती है, और अगर आप एक फील्ड एक्सपीरियंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको 1,500 दिनार तक सैलरी आसानी से मिल सकती है। अगर आप इसको भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें तो ये करीबन 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति माह होते हैं। इसीलिए लोग कुवैत जाना पसंद करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।